हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेशम क्रिएशंस एंड एचबीआर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आए हैं। यह वूलन हुडी है और इस पर मैं आपको एक एनिमे कैरेक्टर पेंट करके दिखाऊंगी। ये मेरे बेटे की है और उसको जो है उसने मुझसे कहा है कि मैं इसको कुछ नारुतो स्टाइल में इसको पेंट करके दिखाऊँ। तो एक नारुतो जो है एक फेमस कैरेक्टर है और मेरा बेटा उसका फ़ैन है, तो मैंने उसके लिए ये हुडी बनाई है। आप भी देखिए वीडियो, ये मैंने कैसे बनाई है आप मुझे बताइए। ये मैं ट्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने नारुतो जो उसका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसके दो पिक जो है मैंने नेट से सर्च की हैं। ये देखिए, ये एक ये वाली, ये मैं इस पर बैक पे बनाऊँगी। ये नारुतो बैक पर बनाऊँगी मैं हुडी के, और दूसरा जो है वो ये मैं फ्रंट पर बनाऊँगी। ये थोड़ा छोटा बनाऊँगी और ये दोनों ही कैरेक्टर, मतलब दोनों ही नारुतो के जो दोनों ही वो हैं फ़ोटो, काफ़ी अच्छी हैं और मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। जो बैक पे मैं बनाने वाली हूँ वो काफ़ी आर्टिस्टिक है, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उसको बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको जो है मैंने थोड़ा ड्रॉ करके रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखिए, मैं वाइट पेंसिल से मैंने थोड़ा ड्रॉ किया है। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है, आर्टिस्टिक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बाकी जो है कलर से करूँगी, तो वो आप वीडियो पूरी देखिए और आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से हुडी को जो है एनिमे कैरेक्टर उस पर पेंट कर रही हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ ये सब करने के लिए। तो आइए इस पर कलर करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्लैक है और आप ब्लैक किसी भी स्टफ़ पे कर रहे हैं तो उस पर वाइट कलर से बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। वाइट का बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाइट से बेस नहीं लगाएंगे तो आपका जो है कलर अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो पहले मैं इसको जो है वाइट से इसको पूरा ही डिज़ाइन जो है वाइट से पेंट करूँगी और फिर इसको कलर करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए पूरी वीडियो, मुझे लगता है कुछ अलग करने में मुझे ही मज़ा आ रहा है और आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो वीडियो पूरी देखिए और फिर मुझे बताइए कि ये जो मैंने ये जो ट्राई किया है वो कैसा रहा। तो पूरा देखिएगा, अभी मैं इसमें आगे कलर करूँगी।
हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको पूरा कलर कर लिया है, और अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये कैसा बना है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसा है। और ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी इस तरह से मैंने हुडी पेंट करना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा किया है मैंने तो लाइक कीजिए। और नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो मैंने ये न्यूज़पेपर लगाया था ताकि इसके फ्रंट ये ख़राब ना हो, और ये न्यूज़पेपर भी मैंने जो है एक कैनवस के ऊपर लगा करके तब लगाया था, और इसको सूखने के बाद ही जब ये पूरा ड्राई हो जाए सारे कलर इसको आप तभी निकालिए। तो ये इस तरह से ये मेरी हुडी जो है का बैक पार्ट, हुडी की बैक पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसके फ्रंट के लिए नारुतो कैरेक्टर की दूसरी रेफरेंस यूज़ की है और दूसरी रेफरेंस यूज़ की है मैंने उसमें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको पूरी वीडियो इसमें इसी तरह से आपको ये बनाना बताऊँगी, और फिर आप बताइए कि मेरी पूरी हुडी कैसी बनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये करने में मुझे बहुत मज़ा आया, ये एनिमे कैरेक्टर पेंट करने में हुडी पर सच में बहुत अच्छा लगा। तो आप भी करिए ऐसा पेंट, अपने बच्चों के लिए बनाइए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।